हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल बीस्ट में फिर से आपका एक स्वागत है। मैं आपको टुल्लू पंप यानी पानी वाले मोटर को ग्रीसिंग करने का तरीका मैं बताऊंगा। ये हाफ एच पी का मोटर है जो ये पहले से मैं खोल चुका हूं। अगर आपको खोलने का तरीका देखना है तो इसके ऊपर आई बटन पे लिंक दे दिया हूं, उसको आप दबाकर इसके खोलने का तरीका देख सकते हैं मेरे वीडियो में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लेकर बराबर आता रहता हूँ जो आपके फ़ायदे के लिए बहुत बेहतर रहेंगे। तो आइए इसको ग्रीसिंग करते हैं। ग्रीसिंग के पहले ये मोटर बिल्कुल जाम चल रही थी और साउंड बहुत तेज़ थी इसमें। जब चलते समय इतना ज़्यादा साउंड था तो ये बैरिंग का साउंड होता है। देखिए, बैरिंग घूम नहीं रहा है, हाथ से ज़बरदस्ती घुमाने पर ये चल रहा है, पूरा जोर लगाने पर चल रहा है बैरिंग। इसका मतलब है बैरिंग में ग्रीस सूख गई है और इसीलिए ये आवाज़ करता है चलते समय। तो इसको ग्रीसिंग करते हैं। कैसे ग्रीसिंग करते हैं? ग्रीसिंग करने के बाद से बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, ये बिल्कुल फ्री चलने लगेगी। और एक ये जाम की वजह से ये बिजली भी ज़्यादा खर्च करता है मोटर, इसीलिए इसको ग्रीसिंग करना बहुत ज़रूरी रहता है। अब आइए देखते हैं कि इसको ग्रीसिंग कैसे किया जाए। तो सबसे पहले ये बैरिंग है जो आप देख रहे हैं, इस बैरिंग के ऊपर एक कवर लगा हुआ होता है जिसके अंदर ग्रीस रहता है। तो पतली वाले स्क्रू ड्राइवर से इस कवर को हटाएंगे। देखिए दोस्तों, मैं हटा रहा हूँ इसको। ये देखिए, कवर हट गई। अब देखिए ये बैरिंग, इसमें पूरा ग्रीस सूख गया है। इस सूखी हुई ग्रीस को आप मिट्टी के तेल से इसको ब्रश द्वारा इसको साफ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ग्रीस सूखी नहीं है ये, इसीलिए मैं इसको मोबिल ऑयल इसमें डाल रहा हूँ, थोड़ा सा लूज हो जाए। ये मोबिल ऑयल की कुपी है। इस मोबिल ऑयल को थोड़ा सा इसमें जब गिराएंगे तो ये बिल्कुल फ्री हो जाएगी। देखिए एकदम फ्री हो गई। ये देखिए बैरिंग चलने लगी, इशारे से अब चल रही है। ये देखिए कितना बढ़िया काम किया ये मोबिल ऑयल, ये बिल्कुल फ्री हो गई। अब इसको कपड़े से इसको सूखी हुई ग्रीस को निकाल दीजिए। सूखी हुई ग्रीस को कपड़े से निकाल दीजिए। ये सूखी हुई ग्रीस कपड़े से निकल गई। फिर थोड़ा सा मोबिल ऑयल इसमें डालिए, बिल्कुल मोबिल ऑयल पड़ गई, बैरिंग बिल्कुल ढीली हो गई, हम लूज हो गई। देखिए और ये ग्रीस है, इस ग्रीस को उंगली में लेकर ऐसे और इसके जो गोली छा रहे हैं इस पर दबाइए ऐसे, इसको दबाइए। ग्रीस थोड़ा डाला जाता है कि बाहर ना निकल जाए, जितना बड़ा बैरिंग होता है उसी हिसाब से ग्रीस डाला जाता है इसमें। ये देखिए इसमें ग्रीस पड़ गई। ग्रीस लगने के बाद से इसमें से जो कैप निकली हुई है ये, इस कैप को फिर उसी जगह पे सेट कर दीजिए। ये बैरिंग देखिए चलने लगी, ये बिल्कुल चल रही है, बैरिंग ढीली हुई है। अब इस कैप को फिर ऊपर से दबाइए, ये उंगली से दबा दीजिएगा, फिट हो जाएगा। और पिलास से भी इसको दबा सकते हैं बिल्कुल बैठने के लिए। ये कैप इसलिए लगता है कि अंदर का ग्रीस बाहर ना आ जाए, क्योंकि बहुत 2800 RPM पे चलता है। एक मिनट में 2800 RPM होता है इसका, पर मिनट 2800 बार, इसीलिए ये कैप लगता है कि ग्रीस बाहर ना आ जाए। सेम इसी तरह एक अंदर वायरिंग होती है इसके, ये आपको दिख रही होगी, दो वायरिंगें इसमें होती है, ये अंदर होती है। थोड़ा सा इसको इसमें ग्रीस डालना कठिन होता है। सेम ऐसे ही जिस तरह इसका कैप निकाला गया, इसका भी कैप वैसा ही स्क्रू ड्राइवर से पतली वाली देखिए निकल गया ये कैप निकल गया। और इसमें भी मोबिल ऑयल को डालिए, देखिए मोबिल ऑयल डाल दिए और इसको घुमा दीजिए इसके रोटर को। ये रोटर है, इसके रोटर को घुमाइए, ये बिल्कुल फ्री हो गई। देखिए बिल्कुल फ्री हो गई,
इसमें भी ग्रीष्म आप डाल सकते हैं, उंगली में लेकर ऐसे दबा दीजिए। सेफ्टी के लिए हाथ में आप ग्लव्स भी पहन सकते हैं, दस्ताना वगैरह। खैर ग्रीस से कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, ग्रीस हाथ में लगने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा दस्ताना लगाकर भी कर सकते हैं कि हाथ में थोड़ा सा कचरा ना लगे, इसके लिए सेफ्टी होता है। देखिए ग्रीस लग गया, और फिर उसी तरह जो कैप इसके अंदर से निकली हुई है उस कैप को उसमें लगा दीजिए। देखिए ये कैप, ये कैप लग गई। कैप बैठ गई, फिर इसको घुमाइए, बिल्कुल ठीक चलने लगा ये। दोस्तों ये थी मोटर को ग्रीस लगाने का तरीका, ये बहुत ज़रूरी होता है ग्रीस लगाना। इसमें ग्रीसिंग मैंने कर दिया है, और ग्रीसिंग करने के बाद से मोटर जिस प्रकार से खोला गया है मार्कर से निशान लगाकर, जहाँ जो प्लेट है, ये प्लेट इसकी है, जिस साइड की जो प्लेट है उस तरह आप कस सकते हैं। दोस्तों इसको खोलने का तरीका के लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, इस वीडियो के ऊपर जो आई बटन है उसमें आप उसको क्लिक करके आप वो खोलने का तरीका वाला वीडियो आप देख सकते हैं, क्योंकि उसी हिसाब से इसको सेटिंग भी करना पड़ता है। तो ये वीडियो आप देख लीजिए, खोलने का तरीका जो मैं इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर हम राय दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इलेक्ट्रिकल संबंधित वीडियो लेकर आता रहता हूँ, जो आपके फायदे के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। मैं फिर से अगले वीडियो में मिलता हूँ कोई नए इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।